आज यहाँ चावल की फसल में अपने कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। कंपनी की तरफ से इस चावल की फसल के अंदर क्या क्वालिटी है, तो क्योंकि यहाँ चावल की फसल इस एरिया में हनुमानगढ़ और गंगानगर में ज़्यादा होती है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले चावल की फसल के बारे में वीडियो डाली थी इसी कटाई के बारे में। और अभी हम बात करते हैं कि आज ये जो कंपनी के प्रतिनिधि आए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इस चावल की फसल के बारे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, फसल को पकाते समय स्प्रे वगैरह कराते समय कौन कौन सी करनी चाहिए। तो हम इनसे रूबरू होते हैं और इनसे विचारों का लाभ उठाते हैं। तो मैं सर से पूछूंगा, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी प्रदीप। प्रदीप जी, मैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी कंपनी से आए हो अभी? मैं जी एब्रो इंडिया से हूँ जी। अच्छा, एब्रो इंडिया से। दान प्रॉपर सुखा के जी, जब सूख जाए जी उस टाइम काटो, प्लस जो भी कोई स्प्रे करते हो जी वो कम से कम 30 दिन पहले जी कर देनी चाहिए। और कुछ साल्ट है जो एक्सपोर्ट में बैन है, क्योंकि ये बासमती की क्वालिटी एक वैरायटी है 1401। अच्छा, तो जो वो किया गया एक्सपोर्ट होती है ये धान, लोकल नहीं। एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होती है? सारी कंट्री में होती है जी, लगभग कोई 2-4 कंट्री का नाम बताइए। होगी अमेरिकन कंट्री है जितनी भी होगी, इंडोनेशिया में भी जाता है, सऊदी में भी चलता है माल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर वो कंपनियां जो बाहर अपने भेजते हैं एक्सपोर्ट में, वो इस चावल के अंदर क्या क्या चीज़ें लैब के अंदर टेस्ट करके फिर हमारे भारत से चावल खरीदती है? कुछ केमिकल होते हैं जैसे ट्राईसाइक्लाजोल हो गया, थायमथोक्सम हो गया, बुफ्रोफेंजिन हो गया, ये कार्बेडिजियम हो गया, इनकी स्प्रे नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है तो कम से कम 60-65 दिन पहले करो कि उनके अवशेष इसमें ना रह जाए। अच्छा, इस दौरान फसल की ये फसल पकते समय बीच में आप किसान से संपर्क करते हो और उनसे सुझाव देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा ये एक प्रोजेक्ट चलता है। अच्छा, जिसमें हम क्या कि स्टार्टिंग में उनकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद वीकली के वीकली उनका खेत मॉनिटर करते हैं। अच्छा, और उसके बाद उनको चेक करते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उनको सजेशन देते हैं, और जरूरत हो तभी स्प्रे करो और कम से कम खर्चा करो। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो माल लिया है इसका लैब टेस्ट कहाँ करोगे? ये हमारी जी कंपनी है, ये इनक्लोज नहीं कर सकते हम कोई भी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी सर, ठीक ठीक है भाई। क्यों